हेलो फ्रेंड, आज हम फिर उपस्थित हैं सीटेट का एक नया सेट लेकर के। इसमें मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि नरेश 30 जून को 11:20 AM में यात्रा शुरू करता है और 1 जुलाई 5:40 PM को यात्रा समाप्त किया, तो उसने कितने घंटे तक यात्रा की। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि रेलवे में 24 घंटे वाला समय होता है। यदि इस तरह के सवाल हो तो इसको 24 घंटे वाले समय में आप काउंट करेंगे। तो 11:20 AM मतलब 24 घंटा में 11:20 बीत चुका है, तो अब बचा कितना? तो 24 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13, और 20 मिनट और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 घंटा 40 मिनट, यानी 12 घंटा 40 मिनट। ये किस दिन का बचा हुआ है? 30 जून का 12 घंटा 40 मिनट। और 1 जुलाई को 5:40 PM, 5:40 PM मतलब 12 तो बच चुका है, इसके बाद 5:40, तो 12 5 17 40, तो 17:40। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 40 क्या हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 29। 29 घंटा 80 मिनट का मतलब हो गया 30 घंटा 20 मिनट। समझ में आ गया इसका आंसर। अगला सवाल है 1/2 - 2/3 - 4/5, और ये कोष्ट में है, तो इसको जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे 1/2 - अब ये है, इसको हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 5 × 2 = 10 और 3 × 4 = 12, तो 10 में से 12 गया तो कितना हो गया -2 -2, और नीचे वाले को गुणा कर देंगे तो -2/15। आपको पिछले किसी हम वीडियो में बताए थे कि यदि कोष्ट के अंदर माइनस हो और बाहर भी माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, तो एक्चुअली इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 + 2/15। अब इसको क्या करेंगे, हम वही मेथड से जोड़ेंगे, 15 × 15 = 2 × 2 = 4, तो क्या हो जाएगा इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहां पर हो गया 15 और यहां हो गया 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 और नीचे 30, 19/30। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 के बदले 9 से विभाजित किया गया, यानी उसको किस चीज से विभाजित करना था, 6 से, लेकिन 9 से विभाजित किया गया तो भागफल 21 एवं शेषफल 3 प्राप्त हुआ। यदि 6 से विभाजित किया जाता तो क्या प्राप्त होता? देखिए, इसका तो ऐसा फार्मूला होता है कि अगर आपको संख्या निकालना हो तो क्या करना है, मतलब भाज्य से, भाजक से आपको भागफल को गुणा करके और शेषफल ऐड कर देना है, यानी क्या करना है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वो संख्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा। तो भाजक क्या है हमारा, भाजक हमारा क्या है, इसी 9 9, और आपको भागफल क्या आया है 21, और शेषफल क्या आया है 3, तो 21 नवा कितना हो जाएगा 183, 9 1 9 और 9 × 2 = 18, 189 और प्लस 3, यानी वह संख्या क्या हो जाएगा 192। अब कह रहा है यदि उसको 6 से भाग देते हैं, तो आप 6 से इसको भाग दे दीजिए, यानी 192 में आप 6 से जब आप भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 36 18, उतर गया क्या 1 और 2 2 मरतबे कटेगा, 6 × 2 = 12, तो आपका ये कट गया, यानी आपका शेषफल क्या आया 0। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, भागफल आया इसमें, भागफल आया 32 और शेषफल कितना आया 0, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला सवाल, इसको हम पहले यहां से, यहां समझ गया इसको, आप इसको फिर से देख लेंगे, हम अगला सवाल लेते हैं, इसलिए इसको यहां तो हमको कुछ डिलीट करना ही पड़ेगा इसको, तो चलिए अगला सवाल है कि 10 रुपए तथा 20 रुपए के दोनों नोट का प्रयोग करके हम कितने प्रकार से 50 बना सकते हैं। देखिए, हम 10 रुपया कैसे बना सकते हैं, इसको करेंगे 10 + 10 + 10 + 20, हो गया 50, प्रकार एक हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, 20 + 20 + 10, यानी आंसर हो जाएगा आपका, कितना प्रकार से बना सकते हैं, 2 प्रकार से। आपके मन में आएगा कि 10 10 का नोट हम अगर 5 ले लें तो वो नहीं होगा क्या, देखिए वो भी हो जाएगा 50, लेकिन क्या कह रहा है, दोनों नोट का प्रयोग करना है, तो 10 10 का नोट अगर लेंगे तो क्या, दोनों नोट का तो प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये कितने प्रकार से हम 50 का नोट बना सकते हैं, तो 2 प्रकार से। अगला सवाल है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 हो तो उसमें से प्रथम 3 संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए, यदि आपको क्रमागत संख्या का योग दिया हुआ है और बीच वाला संख्या निकालना है, तो सबसे पहले आप औसत निकाल लें तो आपको बीच वाला संख्या निकल जाएगा, क्योंकि यह संख्याओं की संख्या यहां सम है, कितनी है 6 है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे,
कुल योग कितना है 45, और 45 को अगर आप 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42 और उतर गया 3, तो 6 × 5 = 30, 7.5 इसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, औसत मतलब सेंटर वाला संख्या। तो अभी आप देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, ये दोनों बीच वाला संख्या होगा, देख रहे हैं ना, बीच वाला संख्या ये दोनों होगा, तो इसका मतलब ये दोनों के जो बीच में होगा ये 7.5 होगा, दैट मीन्स इस दोनों का मान कितना हो जाएगा 15। तो इस दोनों का मान 15 होगा, यानी बीच वाला जो दो संख्या है यानी तीसरा संख्या और चौथा संख्या का मान क्या हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है 7 और दूसरा संख्या क्या है 8, 8 × 7 = 15, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, पीछे वाले संख्या को लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, समझ में आएगा, पहले औसत लेकर के उसको आप आगे पीछे कर देंगे। अब कहता है प्रथम तीन संख्या का योग, वर्गों का योग निकालिए, तो पहला संख्या क्या है 5 का हो जाएगा 25 प्लस 6 का हो जाएगा 36 और प्लस 7 का हो जाएगा 49, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 9 × 6 = 15 = 5, 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, इसके बाद 4 + 2 = 6 + 3 = 9 + 2 = 11, यानी इसके वर्गों का ये प्रथम तीन संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा 110। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, गीता 100 मीटर के तार के टुकड़े से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है, अधिक से अधिक क्षेत्रफल को घेरने के लिए किस आकृति का प्रयोग करेगी। ध्यान रखिए कि ये जो तार है ये एक परिमिति है, पेरीमीटर है, तो आप ध्यान रखिए एक ही लंबाई का अगर पेरीमीटर हो तो सबसे अधिक अगर कोई क्षेत्रफल घेरेगा तो वो वृत्ताकार में घेरेगा। ध्यान रखिए, ना तो वो आयताकार में घेरेगा, ना वर्गाकार में घेरेगा, ना त्रिभुजाकार में घेरेगा। इसको याद रखना है, फॉर्मूला के आधार पर इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, वृत्ताकार, इसका आंसर दे देंगे आप वृत्ताकार, बस और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल है कि 25,351 और 3255 में सभी 5 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। अंकित मान और स्थानीय मान दोनों समझ रहे हैं आप, अंकित मान किसको कहते हैं और स्थानीय मान किसको कहते हैं। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे वो है, यानी ये 50 के स्थान पे है, ये 5000 के स्थान पे है, ये 10 के स्थान, 50 के स्थान पे है, ये 5 के स्थान, तो ये स्थानीय मान हो गया। और किसी भी संख्या का अंकित मान क्या होता है, जो उसका मान होता है। तो आप देखिए 5 का सभी का योग निकालना है, तो ये हो गया 5050, 5050 इसका क्या हो गया, 5050 इसका हो गया स्थानीय मान, और अंकित मान क्या होगा, इसका अंकित मान 5, इसका अंकित मान 5, तो क्या हो जाएगा 10। अब इसका देखिए, इसका स्थानीय मान क्या है 50 और इसका स्थानीय मान क्या है 5, तो 50 × 5 = 55, और इसका अंकित मान क्या हो जाएगा 5 × 5 = 10, तो 10। इस सब को जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 5 × 6 = 7 × 5 = 12 हासिल 1,51,25, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया 5,125। अब अगला प्रश्न लेते हैं, ये एक लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में आप इसको सीरीज को पकड़िए और अगला क्वेश्चन का इसका अगला क्या आएगा वो बताना है। यहां देखिए ये क्या है एबीसी, इसमें क्या हुआ डबल ए हो गया, बीसी वही रह गया, इसमें डबल ए डबल बीसी हो गया, इसमें क्या है डबल ए डबल बी डबल सी। अब ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, फिर से आप रिवर्स गियर में आएंगे, तो रिवर्स गियर में क्या आएंगे, अब ए क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल ए, इसके बाद डबल बी, फिर डबल सी, डबल सी, फिर जब आप आगे जाएंगे अब इसके आंसर तो आपका यही हो गया, लेकिन इसके अगला पूछेगा तो क्या हो जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी डबल सी, फिर उसका अगला क्या हो जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 150 किलोमीटर दूर परीक्षा देने में कितने रुपए खर्च होंगे यदि पेट्रोल 95 रुपए लीटर तथा कार का माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर हो, और तो और नाश्ते पर 400 रुपए खर्च हुए हो। देखिए परीक्षा देने के लिए जाएगा तो 150 किलोमीटर और आएगा तो 150 किलोमीटर यानी कुल दूरी क्या हो गई 300 किलोमीटर। अब कार माइलेज कितना देता है 15 किलोमीटर प्रति लीटर, तो इसको 15 से विभाग कर देंगे, 15 × 30 यानी 20 लीटर इसका क्या हो जाएगा पेट्रोल खर्चा होगा। अब 95 रुपए लीटर है तो इसको 95 से आप गुना कर देंगे तो 5 × 10 9 × 18 = 19, 1900 रुपया इसका क्या हो गया पेट्रोल पे खर्चा हो गया, और नाश्ते पर कितना खर्च हुआ है 400 रुपया, तो 400 रुपया उसको भी ऐड कर दीजिए, परीक्षा देके आया होगा तो भूख लग गया होगा तो 400 रुपया नाश्ते पर खर्चा हो गया, तो उसको कुल कितना खर्चा हुआ परीक्षा देने में 2300 रुपया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
22 रुपए प्रति लीटर, सॉरी 22 रुपए प्रतिदिन, 22 रुपए दर के, 22 रुपए प्रतिदिन के दर से 25 दिन में उधार चुकाए गए। तो यदि ब्याज 10% हो तो कितने रुपए उधार लिए गए थे? अभी देखिए कि 22 रुपए प्रतिदिन, एक दिन में वह 22 रुपया देता है, तो 25 दिन में वह कितना रुपया दिया होगा? इसको गुना कर देंगे 25 दुनी 50 और 25 दुनी 50 5 55 550 रुपया। कह रहा है यदि ब्याज की दर 10% हो, ब्याज की दर 10% मतलब 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज, तो 100 रुपया अगर कोई ब्याज पर लिया हो तो कितना रुपया दिया रहेगा? एक ब्याज चुकाएगा तो 110 रुपया हो जाएगा। यानी ये आप इसको करेंगे 110% बराबर कितना? 550। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? ये करने के लिए आप क्या करेंगे? 550 बटे 110 गुने 100, ये 5 मरतबे कटेगा, यानी 100 गुने 5 बराबर 500 रुपए। यानी कितने रुपए उधार लिए गए थे? 500 रुपए उधार लिए गए थे। आपको लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम फिर से इस वीडियो को बना रहे हैं, इस प्रकार के वीडियो को बना रहे हैं, आप देखते रहें, अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है आपसे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।